नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी की जीवनी जो कि ली गई है कक्षा 10 विषय हिंदी किताब स्पर्श से। चलिए शुरू करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत 1900 से 1977। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े, आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे, लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1959 में चिदंबरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी की जीवनी यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।